चाइनीज़ भजिया हमारी बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं ये चटनी रखी हुई है और ये चाइनीज़ भजिया हमारी बनकर रेडी हो गई है। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे चाइनीज़ भजिया। ये पत्ता गोभी के बारीक बारीक काट लेना है। काटने के बाद इसमें हम अरारोट मिलाएंगे और मैदा। अरारोट और मैदा हमने मिला लिया है, इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा कलर डालेंगे, रेड कलर, टमाटो रेड, इससे कलर खिल के आएगा, थोड़े देखने में अच्छे लगेंगे। इसमें हमने लाल कलर डाल दिया है। लाल कलर डालने के बाद इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार। थोड़ा से पानी डालेंगे, फिर अच्छे से मिक्स करेंगे दोनों चीज़ को। सारा जितने हमने डाला इसमें सारे को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सारा कुछ हमारा अच्छे से मिक्स हो गया, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दिख रहा है, कलर बन गया है। देखिए रेड कलर डालने से कलर भी अच्छा आ गया है। अब हम तेल में डालेंगे। तेल गर्म हो गया है। गर्म हो जाने के बाद एक एक करके हम तेल में डालेंगे भजिया बना के गोल गोल। ये हमारी हो गई हैं, कड़क हो गई हैं। थोड़ा सा इनको कड़क होने के बाद निकालेंगे। ये हमने निकाल लिया है, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, खाने में भी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो ऐसे हम सारी भजिया डाल के निकाल लेंगे। हमने सारी भजिया को निकाल लिया है। अब हम बनाएंगे चटनी। भजिया हमारा बनकर रेडी हो गई। इसमें हम डालेंगे अदरक, अदरक और लहसुन। अदरक लहसुन को हम कूट लेंगे और सूखे मिर्चा को और टमाटर को उबाल लेंगे। सूखा मिर्चा और टमाटर दोनों चीज़ को उबालेंगे हम। इसके बाद मिक्सर में हम डालेंगे वाटी में। उबलने के बाद इसका छिक्कल हम निकाल देंगे। छिक्कल हमने इसका निकाल दिया है और जो सूखा मिर्चा था वो भी हमारा उबल गया है, बॉईल हो गया, जो कि पीसने में आसानी होगी। अब सारी चीज़ को हम एक एक करके मिक्सर में सारी चीज़ को डाल देंगे। मिक्सर में हमने डाल दिया है। सारी चीज़ें हमने मिक्सर में डाल दी हैं। अब इसको हम पीस लेंगे अच्छे से। अब इसको हम पीस लिया है। अभी हम तेल गर्म करके इसमें जीरा डालेंगे। जीरा हमने डाल दिया। जीरा से हम बघार लेंगे इसको, जो कि काफ़ी इसमें हम पकाएंगे अभी। अभी जो हमने लहसुन अदरक कूटा था वो डाल देंगे इसमें तेल में। अभी हम जो पिसे हुए टमाटर और मिर्चा है वो भी डाल देंगे। टमाटर मिर्चा का पेस्ट भी डाल दिया इसमें हमने, डालेंगे अभी। इसको थोड़े से होने के बाद टमाटर मिर्चा का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है जो हमने पीसा था मिक्सर में। अब इसको हम 5 मिनट अच्छे से पकाएंगे। टेस्ट के अनुसार इसमें नमक भी डाल देंगे। तो ये देखिए भजिया हमारी बनकर रेडी है, रखी हुई। चटनी हमारी पक रही है। थोड़ी देर से इसे हम पकाएंगे, 5 मिनट। हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। ये देख सकते हैं हमारी भजिया और चटनी दोनों बनकर तैयार है। अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। देखिए गरम गरम एकदम चटनी रखी हुई है। ये ठंडी होने के बाद और इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अभी हम आपको दिखा दें। ये देखिए हमारी चाइनीज़ भजिया रखी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, कड़क कड़क बनी हुई हैं, खाने में भी ज़्यादा टेस्टी हैं। चलिए टेस्ट करके दिखाते हैं। अभी हम इनका करेंगे टेस्ट। टेस्ट करके हम उसको बताएंगे। चलिए हम चलिए टेस्ट करते हैं।
भजिया उठाई हमने और ये चटनी में लगाया, देखते हैं कैसा टेस्ट है। काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है खाने में, काफ़ी टेस्टी है। तो ऐसे आप भी घर पे बना सकते हैं चाइनीज़ भजिया, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।